बाजार में अरहड़ और उड़द की कीमतों में आई तेजी के बावजूद भी घरेलू बाजार में दालों में ग्राहकी कमजोर बनी रही। दूसरी तरफ मुंबई में आयातित दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले दालों की थोक के साथ ही खुदरा मांग फिलहाल कमजोर बन रही है। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि आगे मांग में सुधार तो आएगा, लेकिन अरहड़ और उड़द की कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। बर्बा में लेमन अरहड़ नई के भाव $5 तेज होकर $845 प्रति टन हो गए। इसी तरह से उड़द FAQ और SQ के भाव भी $5 तेज होकर $925 और $1,080 प्रति टन हो गए। जानकारों के अनुसार आयातित उड़द एवं अरहड़ की कीमत आवक अभी बराबर बनी हुई है, जबकि केंद्र सरकार लगातार दालों की कीमतों की समीक्षा कर रही है। इसीलिए मिलर्स केवल जरूरत के हिसाब से ही दालों की खरीद कर रहे हैं। दालों की हाजिर मांग कमजोर होने के कारण बर्मा की लेमन अरहड़ नई के साथ ही पुराने की कीमतों में 50-50 रुपए की गिरावट आकर भाव 6250 रुपए और 6150 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। दूसरी ओर मुंबई में मोजाम्बिक लाइन की गजरी अरहड़ के भाव 5450 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। इस दौरान तंजानिया की अरुषा अरहड़ के साथ ही सूडान की अरहड़ के भाव 5650 से 5700 रुपए और 6500 से 6550 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। वहीं मटवारा की अरहड़ के भाव 5600 से 5650 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। व्यापारियों के अनुसार हाजिर बाजार में अफ्रीका की सस्ती अरहड़ की उपलब्धता के साथ ही आगे आने वाली नीचे भाव की अरहड़ से कीमतों में हल्का सुधार ही आया है। जानकारों के अनुसार नमी ज्यादा होने के कारण अफ्रीका की अरहड़ की क्वालिटी हल्की है। अफ्रीका से 6853.704 टन मालवित अरहड़ और 25385.307 टन मोजाम्बिक की अरहड़ लेकर एक वेसल 6 अक्टूबर को मुंबई पहुंच गया है। स्थानीय मिलों की कमजोर मांग से मुंबई में बर्मा उड़द FAQ नई और पुरानी की कीमतों में 25-25 रुपए की गिरावट आकर भाव 7000 से 7025 रुपए और 6900 से 6925 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। व्यापारियों के अनुसार उड़द दाल में ग्राहकी कमजोर है, लेकिन कई राज्यों में हुई बारिश से खरीफ उड़द की फसल को नुकसान हुआ है। नेफेड़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अपने पुराने स्टॉक की बिकवाली कर रहा है, इसलिए उड़द की कीमतों में अभी सीमित तेजी मंदी बनी रहने का अनुमान है। कनाडा की मसूर के भाव में मुंद्रा और हजीरा बंदरगाह पर 50-50 रुपए की गिरावट आकर कीमतें 7200 से 7250 रुपए और 7250 से 7300 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। हालांकि नेफेड आयातकों से लगातार मसूर की खरीद हाजिर बाजार से कर रही है। तंजानिया के चने में दाल मिल की हाजिर मांग कमजोर होने से भाव में 25 रुपए की तेजी आकर भाव 4850 से 5050 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। नेफेड के साथ ही भारतीय खाद्य निगम FCI लगातार केंद्रीय पूल से चना की बिकवाली कर रही है। स्थानीय मिलों की हाजिर कमजोर मांग होने के कारण मुंबई में सूडान और रूस के काबुली चना के भाव में 50-50 रुपए की गिरावट आकर भाव 5450 से 5600 रुपए और 4850 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। काबुली चना के आयात पर 40% आयात शुल्क होने के कारण आयात पड़ते नहीं लग रहे हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।